नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप इस समय देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सारे दर्शकों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा। अंबेडकर जी वही थे जिन्होंने छोटे और जात के और जितने भी पिछड़े वादी लोग थे उन सबके हक के लिए लड़ाई करी और संविधान में उन सबको एक अलग जगह दी। और शायद उसी से जुड़ा आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जंतर मंतर में संविधान बचाओ देश संवाद, डरो मत संविधान अभी जिंदा है। ये कुछ नारे ऐसे हैं जो कि एससी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी दिल्ली प्रदेश के एससी विभाग के संजय नीरज की नेतृत्व में ये बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एक प्रदर्शन किस बारे में है और क्या वाकई में संविधान अभी जिंदा है वाला ये जो इनका पहल है ये वाकई में इस समय जायज है। संविधान वाकई में जिंदा नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये संविधान जिंदा हो वाली जो चीज है ये यहाँ पे उठाना जायज है। यहाँ के लोगों से जानने की यही कोशिश करेंगे इस समय। नमस्कार सर, आपका नाम? सर मेरा नाम चोक सिंह बघेल है। बघेल सर एक बात बताइए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ संविधान अभी जिंदा है क्या यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, क्या इसका महत्व है आज के इस प्रदर्शन को लेकर और आप क्या बातें दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? सर कहना हम ये चाहते हैं देश में अगर संविधान आज जिंदा न होता तो ये सरकार जो 14 से चल रही है आज हम बोल नहीं पाते जी। जो संविधान बाबा साहब ने दिया जी वो सबकी ताकत है और आज जो सरकार चल रही है इस संविधान को मिटा करके लोगों की जबान बंद करना चाहती है और तानाशाही करके इस देश को अपने कब्जे में लेना चाहती है। अंग्रेजों से भी ज्यादा हालत इन्होंने खराब कर दी है। आज जो इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालने का काम करते हैं, उत्पीड़न करने का काम करते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो न झुका है न रुका है, चाहे उनका घर ले ले चाहे सदस्यता ले ले, कांग्रेस का सेवा दल उनके साथ खड़ा है, देश के लिए साथ खड़ा है और इनको 2024 में इस बात का जवाब मिलेगा कि देश को तुम्हारे मिटाने से मिटने नहीं देंगे। ये देश संविधान के दायरे में है, सबको हक है बोलने का, सबको आगे बढ़ने का मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? सर सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी आप देख सकते हैं जैसे तमाम इन्होंने जो बातें करी वो ये करी कि तानाशाही किसी तरीके से अभी सत्ते में बैठी जो सरकार है वो प्रस्तुत कर रही है दर्शकों के लिए और जितने भी जनता है उनके लिए। सर आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, जैसा कि बताया गया विपक्षी सरकार में जो आवाज उठाता है उनको दबा दिया जाता है, ये सब मद्देनजर रखते आपको लगता है कि देश की जनता के सामने आप जागरूकता प्रस्तुत कर सकते हैं अपने प्रदर्शन द्वारा? जी बिल्कुल सर, बताइए कोई बात नहीं, हमारा जो मत जो मत संविधान की साथ संविधान है हमारे लिए चलने के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए है। ये नहीं है मतलब हमारी आवाज दबाई दी जाए, मतलब इस सरकार में ऐसा हो रहा है कि आवाज दबाई जो बोलता है उसे अंदर कर दिया जाता है, ये कौन सा संविधान हो जाएगा? तो कुछ उम्मीदें इस प्रदर्शन के बाद कुछ फर्क देखने को नजर आएगा? बिल्कुल उम्मीद आएगी साहब जी, बिल्कुल होगा, आगे देख चलेगा इससे और विश्वास हम लोगों को मतलब आगे मतलब जो हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी, मतलब विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो बात बोली है आवाज दबा दिया जाता है जब ये किसी ऐसे अपने मुद्दों को या फिर अपनी परेशानियों के सामने खड़ा करते हैं। एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे सर, 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। आपका शुभ नाम सर? भगवान दास। भगवान जी एक बात बताइए, संविधान बचाओ जन संवाद चल रहा है, इसका क्या अहम किरदार होने वाला है आने वाले चुनावों में, आने वाले जितने भी समाज के जो चीजें अभी हो रही है उसमें क्या इसका महत्व होने वाला है सर, इस प्रदर्शन का और ये जो पूरी बैठक चल रही है इसका? कांग्रेस पार्टी का है सेवा दल का, स्वयं की सेवा अपना करो और सब जनता को देखो संभालो बाल बच्चे अपनी स्वयं को तार करो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ संविधान अभी जिंदा है, ये संविधान वाली बात क्यों उठी है यहाँ पे सर? आज मोदी का वो है ना राज चल रहा है, मोदी क्या देता है 5 किलो में क्या होता है, 5 किलो में क्या आदमी महीना भर पूछेगा, एक आदमी को पूछेगा राशन जा तो रहा है पर लोगों तक राशन सब कह रहे हैं
दो दो महीना में मिलता है, कभी तीन महीना हो जाता है। कुछ भी झोला में भर के ले जाए। कितने लोग बैठे हैं अभी इस संवाद में? अनुमान है आपको? मेरे को अनुमान मान लो कि कांग्रेस के टाइम में भारत की। चलिए आप तब तक गिनिए जरूर, मैं बाद में आपसे जरूर पूछूंगा। मतलब अनुमान बिल्कुल नहीं इनको, लेकिन वही मोदी। हाँ जी भाई भाई, मोदी सरकार जैसे ये भी कह रहे हैं राशन की, जिसकी बहुत बड़ी बड़े तरीके से वादे किए जाते हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल रहे। इन्होंने सीधा सीधा ये चीज बोली। और भी आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैम मैम, मैं आपके दो मिनट लेना चाहूंगा। आपका नाम मैम? पूनम पांडे, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़। पूनम मैम, ये क्या यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये जन संवाद कार्यक्रम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं संविधान अभी जिंदा है, संविधान खतरे में हमारे देश का इस समय? हाँ बिल्कुल खतरे में है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए? आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलके हमारे संविधान को पूरा खत्म करना चाहते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना चाहते हैं। आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों के मन में जाति पात को लेके दंगई और जो बोलते हैं ना दंगे फसाद, ये सब क्या है? यही सब के कारण तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी ने डरो मत संविधान अभी जिंदा है का एक नारा, अब इसको आप नारा ही समझिए, क्योंकि ये सबके हमारे पार्टी में जितने लोग हैं हम सबको जनता को लेके चलना है। हमारा संविधान क्या बोलता है? बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब ने कहा था कि जो तबके के नीचे तबके के लोग हैं उनको भी यहाँ स्थान मिलना चाहिए, सबको बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान है हमको लेके चलना है, उसको जिंदा रखना है। और हमारा संविधान आज भी जिंदा है क्योंकि हमारी सोच अगर सबको लेके चलने की है तो संविधान हमारा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम, एक ही नारा, जो हमारी पार्टी ने कहा है कि हमको जनता जनार्दन और सारे लोगों को, जितने जात पात के लोगों को, सबको लेके चलना है और एक आवाज बनके खड़े होना है। तो मैम, दो बार से जैसे बीजेपी सरकार केंद्र में जीत रही है चुनाव, आपको लगता है कि इस संवाद के द्वारा या फिर अभी जो आने वाला समय है आप लोगों में जागरूकता पैदा कर पाएंगी अपने सारे जो मुद्दे हैं, ये जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको लेकर, लगता है आप जागरूकता पैदा कर पाएंगे या सफल रहेंगे किसी तरीके से? मैम आज मैं आपको एक बात बताऊं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार डर गई है और इतनी डर गई है कि आप अभी सामने, आप मुझे बताइए, सांसद में आवाज उठाना, अपनी बातों को रखना क्या गलत है? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या क्या प्रश्न पूछा था कि मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी कौन है? 20 हजार करोड़ रुपए खाते में जो है उसका आप बताइए वो किसके हैं, हिसाब दीजिए। तो ये प्रश्न पूछना क्या गलत था? दूसरी बात, ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उससे और डर चुकी है केंद्र की सरकार। आप देखिए आज राहुल गांधी जी हर जनता के दिल में राज करते हैं, आज हर एक जाति धर्म के लोगों को लेके बराबर पैदल यात्रा करके जब उन्होंने सबको अपने दिल में, उनके दिल में जब सब लोगों ने एक स्थान बनाया, सबका साथ और प्यार मिला, तो आज कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार डर गई है कि कहीं मैं केंद्र से उतर ना जाऊं, मुझे जनता उतार ना दे। और आज मुझे बताइए जनता के लिए क्या कर रहे हैं लोग? आज जनता के लिए क्या कर रहे हैं? महंगाई देख रहे हैं आप? आज बेरोजगारी देख रहे हैं? आज आप जैसे यूथ लोग, आज पढ़े लिखे लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं। भाई कितनी बातें बोली थी मोदी जी ने, बेरोजगारी खत्म करूंगा। आज बेरोजगारी खत्म करना दूर की बात है, यहाँ तो साहब अपना ही जेब भरने में लगे हुए हैं, बंदर बात कर रहे हैं पैसा। भाई आप अपना ही एक ग्रुप बना लिए हो, अडानी माल्या, आज हर जगह ईडी का छापा, छत्तीसगढ़ में ईडी का, हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में आप छापा पड़वाते हो, क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ हमारा एक ध्यान भटकाने का बस तरीका है उनको कि हम अपना कॉन्सेंट्रेशन ना कर पाए, लेकिन वो भूल गए हैं क्योंकि जो हमारा कांग्रेस पार्टी है वो एकता की पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी, वो डरने वाले में से नहीं है। अभी हम चुनाव में बताएंगे, अभी अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, जिससे और डर और खौफ पैदा हो रहा है कि राज्य में भी उनका जो, अभी तो राज्य में सरकार है छत्तीसगढ़ में,
कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय में भी हमारी सरकार है, तो वो डर गए हैं ना, तो क्या करेंगे? केंद्र में बैठ के वो गणित बाजी लगा रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? ध्यान भी भटकाने का काम कर रहे हैं ना, तो डर ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। केंद्र से भी ना चले जाए और राज्य से तो जाना तय है, केंद्र से भी जाना तय है, तो कहीं ना कहीं खौफ दिखता है, डर दिखता है। तो आज आप सामने देख रहे हो, सारे मीडिया वाले कवरेज करते हो, सबको सब कुछ पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की एकता पे कहीं ना कहीं प्रकाश डालने की कोशिश करी मैम ने, ये बताने की कोशिश करी कि जो जो कूटनीतियां नरेंद्र मोदी की सरकार लगा रही है देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, उसका प्रकाश डालिए। सर आपका शुभ नाम? शेरवानी कहते हैं। शेरवानी जी एक बात बताइए, आपको लगता है कि जनता के मन में कुछ बदलाव आएगा, लोगों के सोचने विचार में कुछ बदलाव आएगा आपके इस कार्यक्रम, ये जो अभी यहाँ पे आपने बोला एक विशाल कार्यक्रम है संविधान बचाने के लिए, क्या रणनीति रहने वाली है और क्या आपका संदेश होगा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस पूरी सभा के द्वारा? सर देखिए, इसका जो आयोजन किया गया है वो रियली संविधान को बचाने के लिए, जो संविधान की मूल धारा है उसको गलत रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, और इसका जो मेन एजेंडा है धार्मिक आधार पे पोलराइजेशन का है। इसलिए यहाँ बैठना जरूरी है, देश में जो और समस्याएं सर उठाए खड़ी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे जनता का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने धर्म आधारित पोलराइजेशन की राजनीति अपनाई। उसी वजह से कांग्रेस जो है इस बात के लिए संघर्ष कर रही है कि जो मूल धारा है संविधान की उससे देश न भटका जाए। तो आप मतलब इस पूरी चीज को धर्म, ये जो आपने बोला धर्म पोलराइजेशन है, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं? इसी पोलराइजेशन से सरकार बनी है केंद्र में, वरना जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में दो सीटें थी, एक आडवाणी जी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तो इनके पास कोई आधार ही नहीं था, तो उन्होंने धार्मिक पोलराइजेशन करके राम मंदिर को अपना टारगेट बना तो, क्योंकि बेसिकली हमारा देश जो है वो धार्मिक देश है, लोग जो है धार्मिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, वो धर्म को मानते हैं, धार्मिक है देश हमारा। तो ये मेन मंत्र जो है आरएसएस ने पकड़ा कि हम कैसे जीते, हम कैसे सत्ता में आए, तो धार्मिक पोलराइजेशन किया जाए। तो धार्मिक पोलराइजेशन कैसे होगा? किसी धर्म के देश बना के, तो उन्होंने राम मंदिर को देश बनाया, धार्मिक पोलराइजेशन किया और वो उसमें कामयाब हो गए। अब इनको चिंता ये है कि वो मुद्दा तो खत्म हो गया, तो अब एक नया मुद्दा उठाया जाए जो धर्म आधारित हो, तो इसलिए जरूरत इस बात की है संविधान देश को दिया गया है निष्पक्ष सेकुलर है, संविधान ने दी है, संविधान की मेन रूह जो है जो वो सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म को कैसे बचाया जाए? जब धर्म संविधान बचेगा तो ये सेकुलरिज्म बचेगा, और सेकुलरिज्म नहीं बचेगा तो देश जो है दोबारा से फिर स्प्लिट होने का होगा। 1947 में धर्म के आधार पर ही तो बटा था देश, किस आधार पर होता है? टू नेशन थ्योरी की वजह से तो बटा था देश, डिवाइड एंड पॉलिसी वाली क्या बात कर रहे हैं? वो ग्रुप का इक्का आपने पत्ते खेले, एक ग्रुप का इक्का बचाया जाता है लास्ट में, जब बाजी जो है त्रुप को इक्के से जीती जाए, तो ये धार्मिक जो पोलराइजेशन है ये इनके पास त्रुप का इक्का, जब ये जनता की जो मेन समस्या है उससे आम जनता के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए धर्म पोलराइजेशन का सहारा लेते, ये उसी की वजह से हम लोग कांग्रेस पार्टी
संवाद संविधान बचाओ संवाद करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चार पांच लोगों से बात करी यहाँ पे, चार पांच कार्यकर्ताओं से बात करी, सबके सबने अपने अपने अलग अलग मुद्दे यहाँ पे उठाए। किसी ने सामाजिक मुद्दे उठाए, किसी ने राजनीतिक मुद्दे उठाए, किसी ने धर्म जो कहते हैं धर्म वाली जो पोलराइजेशन है ये वाला मुद्दा उठाकर सबके सामने प्रकाश डाला। एक बार मैं आगे और जाके वहां के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में और कौन कौन से वो सामाजिक टूट नीतियां हैं जिसका इस्तेमाल कर ये जो हमारी सरकार है इन लोगों को नाराज कर रही है, या फिर क्या और कारण बन सकते हैं वही सामाजिक जो कार्य है। विधान बनाने वाले बाबा साहब ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे दुर्दिन देखने पड़ेंगे। आप देखिए कि आज हमारे कार्यक्रम का जो नाम भी है संविधान पर संवाद, पर संवाद को तो इस देश में खत्म किया जा रहा है। राहुल जी ने क्या किया था, ना तो आप अपने देश में बोलने दे रहे हैं, ना आप संसद में बोलने दे रहे हैं, ना विदेश जाकर बोलने दे रहे हैं। उन्होंने रैली में भी संवाद ही किया था, संवाद में विपक्ष पर सत्ता पक्ष पर हमला किया था, और आज कोर्ट ने क्या किया। इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी विधायक के अगेंस्ट भी इस तरीके का फैसला नहीं दिया गया। मैक्सिमम सजा आप मानहानि के केस में देते हैं, आप एक संसद को ना तो संसद में बोलने दे रहे हैं, ना मंच पर बोलने दे रहे हैं, आप किसी को भी नहीं बोलने दे रहे। आप पत्रकारिता की बात करिए, बाबा जी के राज्य में क्या होता है, अगर आप स्कूल के खिलाफ जो कि अपने दोपहर के खाने में नमक और रोटी खिला रहा बच्चों को वो रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। 2000 से ज्यादा लोग इस देश की जेलों में बंद हैं जो निर्दोष, और जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। कल झारखंड में क्या हुआ, सारे उपद्रवियों ने एकदम खुलेआम वहां पर दंगे किए। आप यूपी में तो लोगों के घर तोड़वा देते हैं, लेकिन आपके लोग खुला जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, यही संविधान का नुकसान है, और इसी के अगेंस्ट इसी के विरोध में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इसी संवाद को हम करना चाहते हैं। सर, लोगों के मन में ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि दो बारी से नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि खास तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें वो यंगस्टर्स यूथ इनके मन में जगह नहीं बना पा रही है। तो आपको लगता है ये जो संवाद आयोजन अभी हो रहा है इसके तहत जागरूकता एक बार फिर से पनपवाई जा सकती है देशवासियों के अंदर, देशवासियों के मन में क्या बदलाव के लिए आप तैयार कर सकते हैं देशवासियों को मानसिक तरीके से? भारतीय लोकतंत्र बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, और देखिए इस देश ने हजारों साल से एक चीज स्थापित की है जी। यहाँ जितने भी अत्याचारी आते रहे, आतिताई आते रहे, हम हर बार उठ के खड़े हुए हैं। तो यूथ देखिए इस देश का आज कुछ भी कह लीजिए वो सोचता भी है। आज भी विश्वविद्यालयों में बड़े अच्छे कॉलेजेस में यूथ बहुत ज्यादा सोच रहा है, विचार कर रहा है, और जरूर कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बहुत जागृत है। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ हम लोग गली गली शहर शहर गांव गांव पहुंच रहे हैं, और मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता, मैं विश्वास रखता हूं कि 2024 से पहले परिस्थितियां बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि पूरे देश में परिवर्तित होंगी। बंगलोर का कर्नाटक का रिजल्ट ही साबित कर देगा। यूथ हमारे साथ है, यूथ आपके साथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपको सुनना शुभम जी, ये क्या, ये जो आपका पूरा इधर ये संवाद चल रहा है, संविधान बचाओ संवाद जो चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और कौन कौन सी वो सामाजिक परेशानियां हैं जिसकी वजह से आज आप सबको यहाँ पे एकत्रित हो, वहाँ जनता तक आवाज पहुंचाने की जरूरत पड़ गई? सर क्या क्या वो सामाजिक मुद्दे हैं और क्या महत्व है इस संविधान बचाओ ये सम्मेलन का? सर देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2014 के बाद से देश में जो परिस्थिति आई है, देश में कभी इतने विरोध, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार लोग हो, कभी इतना विरोध सरकार के प्रति कोई भी इतना आक्रोश देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से जिस तरीके से संविधान को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, संविधान में नए नए बदलाव लाने की कोशिश करी जा रही है, उसके विरोध में हम आज एकत्रित हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने संविधान को बनाया था देश के लिए, ताकि देश में जो भी शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और महिलाएं और अन्य लोग जो सामान्य दायरे से नीचे थे वो सामान्यता में आ सके। इस सरकार ने 2014 के बाद
संविधान को जिस प्रकार तोड़ने मरोड़ने की बात करी है और संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी जा रही है, बहुत जरूरी है कि आने वाला समय अगर इसी चीज तरीके से चीजें चलती रही तो संविधान के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो हम सब लोग आज इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोग संविधान को बचाने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, सड़कों पे उतर सकते हैं, सरकार को ये बता सकते हैं कि कितना जरूरी है संविधान को बचाना, उसलिए एकत्रित हैं। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे हमने सामाजिक, जैसे मैंने अभी वहाँ बात करी, यहाँ पे वो सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करने की कोशिश करी हमने इनसे। यहाँ पे जितने भी तमाम लोग एकत्रित हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग है, सबके मुद्दे अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, लेकिन सबका एक ही मकसद है, ये जो सामाजिक कूटनीतियां राज्य सत्ता में बैठी सरकार है उनके खिलाफ आवाज उठाने की, ये बताने की कि अभी वाली जो सरकार है शायद वही एक सरकार है जिसके सामने जितनी विपक्षी सरकारें और जितनी भी जनता है पहली बार उनके विरोध में खड़ी हुई है। कारण भी इन्होंने बताया, मुद्दे भी इन्होंने बताए, परेशानियां भी इन्होंने बताई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में देश की जो जनता है, देश की जनता के जो विचार है, ऐसे सम्मेलनों ऐसे संवादों के बाद बदलेंगे? क्या लोगों का जो नैरेटिव है अभी सत्ता में बैठी सरकार को लेकर वो बदलेगी? ये आने वाला समय बताएगा। और इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है आपको, नैरेटिव बदलेगा? कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं हर्ष सिंह तोमर, जंतर मंतर, एमजी मीडिया न्यूज़, दिल्ली।